जबलपुर में बनाया गया 10,000 फीट लंबा तोरण, दो बहनों ने 10 दिन में बनाया। माता वैष्णो को चढ़ाया जाएगा यह तोरण। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के बलदेव बाग में रहने वाली दो बहनों ने साथियों के साथ मिलकर करीब 10,000 फीट लंबा तोरण बनाया है। इसे जल्द ही जम्मू कटरा में माता वैष्णो के मंदिर ले जाया जाएगा। बताया जा रहा है कि देश का सबसे लंबा तोरण है, जिसे जबलपुर की दो बहनों ने साथियों के साथ मिलकर बनाया है। जिस समय वैष्णो मंदिर में तोरण को लगाया जाएगा, उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रहेगी। जबलपुर की खुशबू और ऋचा की टीम को यह तोरण बनाने में 10 दिन लगे हैं। माता वैष्णो के लिए 10,000 फीट लंबा तोरण बनाने वाली ऋचा बताती है कि अचानक से उनके जेहन में आया कि क्यों न माता को कुछ हटकर चढ़ावा चढ़ाया जाए। उन्होंने बहन खुशबू और 25 साथियों को इकट्ठा किया, 10 दिन में 10,000 फीट लंबा तोरण बना डाला। ऋचा बताती है कि इस तोरण को बनाने के लिए करीब 3,000 मीटर कपड़ा लगा, तो वहीं इसमें फूल भी लगे हैं। खुशबू ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे कोतवाली से तोरण की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मालवीय चौक पर खत्म होगी। इसमें 2,000 लोग शामिल होंगे, जो कि इस तोरण को संभाल के रखेंगे। खुशबू ने बताया कि कोशिश है कि हर 5 फीट पर एक व्यक्ति तोरण को हाथों में लेकर चलेगा। उसके बाद फिर शनिवार को ट्रेन के ही माध्यम से टीम कटरा के लिए रवाना होगी। ऋचा का कहना है कि संभवतः देश का यह पहला सबसे बड़ा तोरण है, और ये हमारी शोभा यात्रा में 2,000 लोग इसको पकड़ने के लिए हर हाल में चाहिए है, क्योंकि इसको 5-5 फीट की दूरी में लोगों को पकड़ना है, नहीं तो ये लटक जाएगी और हमें इसको जमीन में नहीं रखना। और हमारी कोशिश है कि हम गाड़ी से इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासन हमको अनुमति देगा तो हम उसको बाहर निकालेंगे। जितनी निकालते जाएंगे, जितनी भीड़ होती जाएगी, वो पकड़ती जाएगी। 10,000 फीट लंबा तोरण बनाने वाली दो बहनों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।